हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मूवीज में, टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा, बात को घुमाते हुए नहीं, मैं सीधा पॉइंट भी आता हूं और इसका आंसर है कि हाँ, वो काम कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हों, वो मूवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं, टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं, मूवीज में काम कर सकते हैं। तो बाय द वे देखिएगा, इसके लिए उनको परमिशन लेनी होगी। चाहे वो कोई बुक लिख रहे हों, आप देखते हों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अक्सर अपना कभी कभार जो बुक्स भी पब्लिश कर दिया करते हैं, तो बुक भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको परमिशन लेनी होती है अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी से। सेम जिस तरह से वो अपना बुक कोई पब्लिश करते हैं, उसी तरह से उनको उस टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम करने के लिए भी परमिशन लेनी होगी और वो ऐसा कर सकते हैं। तो बाय द वे देखिएगा, अक्सर रोक लगा दी जाती है या फिर कई बार आपने ऐसी याचिका को खारिज होते भी देखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टोटली अपना टाइम मूवीज़ बनाने में या फिर टीवी सीरियल्स में काम करने को नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकार के लिए वो 2400 घंटे काम कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अगर उनका रुझान उस मूवीज़ की तरफ गया, उनसे उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा, साथ ही साथ जो उनका काम है उस पर प्रभाव भी पड़ेगा। सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया करती है। बाद में और देखिएगा कि अगर सरकार चाहे तो आपको, अगर आप परमिशन लेके वो काम करते हैं तो आपको अलाउ करेगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा बंदिशें ही रहती हैं। लेकिन दूसरी बात ये हो जाती है कि आजकल जो ज़माना बदला है, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, इंस्टा का, टिकटॉक का, कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो यहाँ पे जो आप वर्क करते हैं, सेम वही वर्क जो आप मूवीज़ और टीवी सीरियल्स के लिए आप परफॉर्म कर रहे होते, तो आजकल इनका जो ज़माना है वो बढ़ चुका है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इनका ज़माना आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जो बड़ा थिएटर है, जो मूवीज़ को आप बोलते हैं कि एक टीम रहती है, उसके साथ वर्क कर रही होती है, तो वही टीम आज आपके मोबाइल पे आ गई है। आप चंद कुछ जन मिलके एक अच्छा, बहुत अच्छा आप वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं आपके मोबाइल के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए देखिएगा, सरकार ने इसमें कोई भी पाबंदी नहीं की है और इसके लिए हो सकता है कि इन फ्यूचर चल के कोई भी ऐसा गाइडलाइन आ जाए कि इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लगाना हो तो लगा सकती है इन फ्यूचर जाके, लेकिन फिलहाल के लिए भी कोई नहीं है। और यही आप देख रहे होंगे कि कितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ऐसे सोशल साइट्स पे और सोशल मीडियाज पे एक्टिव रहते हैं। बाय द वे, उनका सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे एक्टिव रहना ये उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से अगर वो मूवीज़ में काम कर रहे होते, और सरकार अलाउ करती है कि वो मूवीज़ में काम करें तो वो यहाँ पे भी काम करें तो वो भी उनके लिए अलाउड है। लेकिन वो किसी भी माध्यम से, ना सिर्फ लोगों को भ्रम रहता है कि भाई ये वीडियो बना रहा है, वीडियो के माध्यम से बोल रहा है और सरकार की नीति का विरोध कर रहा है, तो इसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाए। तो देखिएगा, ऐसा नहीं है। कई बार आप सोशल साइट्स पे देखते होंगे तो जो सिर्फ ये केवल एक मनोवैज्ञानिक एक भ्रम होता है कि जो वीडियोस के माध्यम से आपके सामने आके ऐसी बातें बोल रहा होता है उसके खिलाफ एक्शन या फिर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन सरकार ने साफ साफ बोला है, जो आपका सेवा आचरण नियम है, कि आप जो काम के लिए आपको परमिट किया जा रहा है, लाइक कि अगर आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कला के क्षेत्र का। अब कला का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें एक्टिंग भी आता है, मनोरंजन कराना भी आता है, तो मतलब सरकार उसको परमिट कर रही है। आप कला के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र, संगीत के क्षेत्र या फिर कोई क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक तरीका है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब कला के क्षेत्र में संगीत भी आ जाता है, आपका एक्टिंग भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें आप समावेश कर सकते हैं कोई भी वीडियो बनाने के माध्यम से, कोई भी पुस्तक लिखने के माध्यम से, कोई भी आप प्रदर्शनी करने के माध्यम से। तो मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रोक नहीं है आपको इन पे वर्क करने के लिए, इन पे वीडियोज बनाने के लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपके सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे अगर अपडेट्स देता हूँ जो कि संबंधित रहते हैं, कई बार मेरे गाना गीत से, कई बार मैं संगीत की वीडियोज शेयर करता हूँ, कई बार मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ यूजुअल सी, तो ऐसी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं पे आके सरकार नहीं या फिर जन सामान्य की बुराई के लिए करने लगूं, लोगों के बीच घृणा बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाने लगूं, या फिर मैं हर नीति की मैं बुराई करने लगूं बेवजह, तो वो कहीं ना कहीं वो सहनीय नहीं रहेगा और सरकार उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। तो ओवरऑल यही है कि सरकार किसी को बैन नहीं करती है कि वो मूवीज में या फिर टीवी सीरियल्स में काम करें अगर वो परमिशन लेते हैं। और फिलहाल के लिए जो आप सोशल साइट्स या सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल मीडियाज़ हैं,
अगर आप उस पे वही काम परफॉर्म कर रहे होते हैं बिना परमिशन के, वो भी जायज है, वो भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जनहित को भड़काएं नहीं, उनको बरगलाएं नहीं और आप लोगों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से वो काम ना कर रहे हों। दोस्तों, आप हर्षमणि का धन्यवाद।